बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कुकिंग विद टेस्ट में आज आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। तो व्यूवर्स, आज आपकी खिदमत में मैं लेकर आई हूँ सर्दियों का स्पेशल तोहफा, जो कि सूप, जो कि हर घर में बहुत पसंद किया जाता है। बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक से खाते हैं। तो व्यूवर्स, आज मैं सूप आपके लिए लेकर आई हूँ। 3-in-1 सूप की रेसिपी है, जिसमें मैं कॉर्न भी डालूंगी, वेजिटेबल्स भी डालूंगी, हॉट एंड स्पाइसी सूप भी होगा। तो 3-in-1 सूप की रेसिपी है, ये बहुत अच्छी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूप बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन, 1/2 kg चिकन है। मैंने बीच में हड्डी वाला चिकन भी लिया, क्योंकि जो यखनी की रियल में रेसिपी है वो हड्डी वाले ही गोश्त की होती है, और मज़ा भी यखनी का या सूप वगैरह का हड्डी वाले गोश्त के ही यखनी का आता है। तो यहाँ पे मैंने 2 लेग पीस लिया और बकाया जो पीस है वो मेरे पास बोनलेस है। यहाँ पे मैंने 1 teaspoon लिया है सूखा धनिया साबुत, 1 teaspoon मेरे पास नमक है, ये प्याज का एक छोटा सा स्लाइस है, और लहसुन के 3 से 4 लहसुन के जवे हैं। मकई मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, और भिगो कर मैंने इसे छान लिया है। 1/2 cup मेरे पास मकई है, 1 teaspoon मेरे पास चिली सॉस है, 1 teaspoon मेरे पास सोया सॉस है, 1 teaspoon मेरे पास लेमन जूस है, जो लीमू होता है आप उसका रस निचोड़ लें, ये वो है, और 1 teaspoon मेरे पास सिरका है, तकरीबन 6 tablespoons मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये मेरे पास अंडे की सफ़ेदी है, 1 अंडे की सफ़ेदी है, और ये मेरे पास 1 teaspoon ब्लैक पेपर का पाउडर है। सब्जियों में मेरे पास 1/2 cup मेरे पास बंद गोभी है कटी, 1/2 cup क्यूब की शक्ल में कटी शिमला मिर्च है, 1/2 cup क्यूब की शक्ल में कटी गाजर है, और पानी मैंने लिया है 8 glass। तो पतीली के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर चिकन, साबुत मसाले। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख दूंगी, तकरीबन 20 से 15 मिनट लगेंगे और ये हमारी यखनी जो है सूप की वो रेडी हो जाएगी। अब एक पैन के अंदर मैंने 1.5 glass पानी लिया है, और ये जो मकई है इसे बॉयल होने के लिए रख दूंगी, इसे भी 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये हमारी मकई जो है वो बॉयल हो जाएगी। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं यखनी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसके गोश्त को मैं निकाल कर इसके रेशे कर लूँगी, बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक बारीक रेशे कर लूँगी, और इस यखनी को छान कर मैं दोबारा इसी पतीली में डाल लूँगी, और जो मकई है वो भी हमारी जो है वो बॉयल हो चुकी है और उसे मैंने छान कर निकाल लिया है। तो अब मैं इसको छानती हूँ और गोश्त के रेशे रेशे करती हूँ। तो जी व्यूवर्स, ये चिकन के मैंने हाथों की मदद से रेशे कर लिए हैं बिल्कुल अलहदा अलहदा। तो अब मैंने यखनी को छान लिया है और पतीली इसी में दोबारा डाल दिया है, और नीचे से फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, और अब इस यखनी के अंदर मैं डाल दूंगी अपनी सब्जियां, ताकि इनको भी हल्का सा बॉयल आ जाए और ये पक जाए। साथ ही मैं डाल दूंगी अपनी मकई, ताकि जो कोई कमी वगैरह हो तो ये भी अच्छी तरह से और सॉफ्ट हो जाए। और नीचे से फ्लेम जो है वो मैं अपनी मीडियम कर दूंगी, ताकि सब्जियों को एक बॉयल आ जाए। जैसे ही एक बॉयल आएगा तो मैं अपने दूसरे इंग्रेडिएंट भी इसमें शामिल करूँगी, और ये जो रेशे किया हुआ चिकन है इसको भी मैं साथ ही इसमें डाल दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि चिकन हमारा और सॉफ्ट हो जाए, कोई कमी वगैरह है तो वो पूरी हो जाए। तो जैसे ही इसको बॉयल आएगा मिक्स करती हूँ, जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि सब्जियों को स्टीम आ गया है। तो अब इसे 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही ढक्कन देकर स्टीम दूंगी, ताकि बिल्कुल लो फ्लेम नीचे से कर दूंगी, और 5 मिनट के लिए इसे मैं कवर अप करके रखूंगी, ताकि इधर थोड़ी सी स्टीम के साथ हमारी सब्जियां हैं जो वो गल जाएं और इसमें कच्चापन ना रहे। तो मैंने अपनी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दी, और 5 मिनट के लिए मैंने इसे स्टीम दिया है, उसके बाद फिर दूसरे इन्ग्रीडियंट शामिल करते हैं। तो जी व्यूअर्स, 5 मिनट का स्टीम देने के बाद ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से हर चीज़ बॉयल हो चुकी है। अब इसमें मैं डालूँगी अंडा, अंडे की सफ़ेदी, जो कि 1 अंडे की सफ़ेदी है वो इसमें मैं डाल दूंगी। नीचे से फ्लेम मेरी बिल्कुल मीडियम है, और इसे अच्छी तरह से अंडे की सफ़ेदी को मैं मिक्स कर दूंगी। अंडा अच्छी तरह पक चुका है, अब इसकी फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर दूंगी, और दूसरी तरफ मैं अपना कॉर्नफ्लोर जो है वो रेडी कर दूंगी।
तो ये यखनी थी जो कि मैंने थोड़ी सी बचा कर रखी है और इसी के अंदर अब मैं अपना कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स करूँगी। 6 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर के डालूँगी, जो नॉर्मल खाने वाला चम्मच होता है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसे अच्छी तरह से इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल पतला हो जाए और इसमें एक भी गुठली ना हो। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं इसके अंदर डालूँगी और फ़ौरन से चम्मच अपना चलाना स्टार्ट कर दूँगी। बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं अपना चम्मच जो है वो चलाना स्टार्ट कर दूँगी और चम्मच इतना चलाऊँगी कि जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। आहिस्ता आहिस्ता से ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और मैं चम्मच चलाती रहूँगी जब तक ये फुल गाढ़ा ना हो जाए। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं। सूप हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है और ये बबल्स जैसे ही ऊपर आए इसका मतलब है कि सूप हमारा अच्छी तरह पक चुका है और कॉर्नफ्लोर जो है वो गाढ़ा, कॉर्नफ्लोर की वजह से ये गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसकी फ्लेम जो है वो मैं बिल्कुल लो कर दूँगी और इसके अंदर डालूँगी लेमन जूस, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और अपनी ब्लैक पेपर। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है, अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और नमक तो मैं यखनी में ही डाल चुकी थी तो नमक बिल्कुल ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो सूप हमारा जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं गर्म गर्म 3-in-1 वेजिटेबल कॉर्न प्लस चिकन सूप हॉट एंड सोर सूप हमारा रेडी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद टेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, उससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।